वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वेस्टिजियल ऑर्गेन्स या फिर अवशेषी अंग। बहुत सारी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न वही रहता है, ऑप्शन चेंज करते हैं। किस प्रकार से पूछते हैं प्रश्न? प्रश्न यह है बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है या निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, हम बहुत सारी कॉम्पिटिटिव बुक्स में उनको रीड करते हैं और उनको याद करते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम किसी एग्जामिनेशन में फिर से बैठते हैं और ये प्रश्न याद करके बैठते हैं तो प्रश्न तो वही मिलता है आप लोगों को, लेकिन क्या है, ऑप्शन कुछ अलग मिलते हैं। तो उन सभी ऑप्शंस को मैंने एक जगह कर लिया है आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को हर एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं हो और आपका प्रश्न सही हो। चैनल अभी तक हमारा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही आपको हमारी अच्छी क्लास की सूचना मिलेगी और अच्छी क्लास पर आप सब लोगों का अधिकार है। शुरू करते हैं भैया, अवशेषी अंग। ठीक है, मनुष्य में कौन कौन से अवशेषी अंग पाए जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि अवशेषी अंग होते क्या हैं। अवशेषी अंग क्या होते हैं, तो परिभाषा देख लीजिए, इसे कहेंगे कि शरीर में पाए जाने वाले कार्य विहीन अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। हमारे शरीर में जो कार्य विहीन अंग पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग है। इन शब्द, यह जो शब्द है यह इंपॉर्टेंट है, कार्य विहीन अंग, दैट इज अवशेषी अंग। ठीक है, कार्यविहीन अंगों का मतलब ऐसे अंग जो अपने पूर्वजों में बहुत क्रियाशील थे और कुछ कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान में अपने शरीर में उनका कुछ अंश उपस्थित है लेकिन वो हमारे शरीर के लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। खास बात दूसरी, वेस्टिजियल ऑर्गेन्स जो है वो अपने पूर्वजों में अच्छी तरह से क्रियाशील थे। ठीक है, और मनुष्य में बहुत बार लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं, तो ध्यान में रखें कि मनुष्य में लगभग 108 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गेन्स लगभग संख्या कितनी है, 108 है। एम्बुलेंस पे जो नंबर है वह 108 है। इसी प्रकार वेस्टिजियल ऑर्गेन्स जो है मनुष्य में, अवशेषी अंगों की संख्या भी लगभग 108 है। कौन कौन से मुख्य मुख्य अवशेषी अंग हैं उनको मैं पहले बता देता हूं, फिर आप उसका डायग्राम भी दिखाएंगे, चित्र भी दिखाएंगे आप लोगों को, डायग्राम से भी आपको समझाएंगे। देखिए, अवशेषी अंग कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पे आप देखिए, कर्मी रूप परिशेषिका। हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट ध्यान में रखें, कृमि रूप, कृमि के समान, कीड़े के समान, लट के समान परिशेषिका, अपेंडिक्स। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके बारे में जानते हैं, अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं, और ज़्यादातर गांवों में भी इसका नाम जो है वह है बोला जाता है अंग्रेजी में ही। ठीक है, इंग्लिश में ही इसको बोला जाता है। अपने जो काकी है, दादी है, चाची है, ये भी बोलते हैं, दादा दादी भी बोलते हैं, मेरे तो पंडक्स को दर्द हो, पंडक्स बोल देते हैं। ठीक है, पंडक्स को दर्द हो, ठीक है, पूछ लेते हैं, दादा क्या आपको ऑपरेशन करा रहे हो, है तो दादो बोला कि मेरा पंडक्स को दर्द हो रहे हो तो भी को ऑपरेशन करवा रहे हूँ पंडक्स को। ठीक है, तो ये जो पंडक्स है वह ही वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, और यह मनुष्य का एक अवशेषी अंग है। यह मनुष्य का क्या है बच्चा, एक अवशेषी अंग है। इसी प्रकार पुच्छकशी रूप जो होती है, टेल वर्टिब्री, यह भी अवशेषी अंग है। ठीक है, इनके बारे में चर्चा देखने पहले देख लीजिए, 108 अवशेषी अंग है, उनमें मुख्य मुख्य आपके ऑप्शन में जो मिलते हैं एग्जामिनेशन में वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पुच्छकशेरुक जो है यह अवशेषी अंग है। अर्णपल्ल की पेशियां, मसल्स ऑफ अर्पिना, ये भी क्या है, कर्ण पल्लव की पेशियां जो है, कानों के बाह्य करण जो है, इनको हिलाने के लिए मक्खियां बैठ के, देखो पशुओं में देखते हो ना, इनके बाह्य करण जो है वो हिलते रहते हैं, तो कर्ण पल्लव की पेशियां जो है वह भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गेन्स हैं। इसी प्रकार अकल डाट, विजडम टीथ कहते हैं ना,
अकल डाट, ठीक है, अकल डाट आई को नी, अकल डाट आई को नी, हाँ अकल डाट इका जना कलावली देर में। अकल डाट का मतलब थर्ड मोलर टीथ जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अकल डाट कहते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है तो अकल डाट जो है लगभग सभी में नहीं आती है, ऐसा जरूरी नहीं है सभी में आए, लेकिन अकल डाट क्या है, एक विजडम टीथ जिसको कहते हैं वह है, और अवशेषी अंग है। इसके अलावा निटिशियटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक पटल, निमेशक पटल भी क्या है, अवशेषी अंग है, और त्वचा के बाल जो है यह भी क्या है बच्चा, अवशेषी अंग है। त्वचा के बाल भी क्या है, अवशेषी अंग है। तो ये मुख्य मुख्य अवशेषी अंग मनुष्य में पाए जाते हैं। अब थोड़ी बहुत इसकी स्टडी कर लेते हैं इनकी, कि पहले अपन देखेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, तो देखिए इसको हिंदी में तो क्या कहते हैं, कर्मी रूप परिशेषिका कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। और शाकाहारी प्राणियों में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स काम क्या करती थी, पहले क्रियाशील थी ना, तब क्या काम करती थी, तो उसकी खास बात क्या है, जो शाकाहारी प्राणी थे उनमें सेलुलोज का पाचन करने के लिए एक आहार नाल का एक भाग पाया जाता है, सिकम। कौन सा, सिकम। सिकम में सेलुलोज का पाचन होता था पहले। और जंतु जो होते हैं ना, प्राणी जो होते हैं जिनमें अपन बात करेंगे, पशु वगैरह जो शाकाहारी हैं घास खाने वाले, उनमें अब भी सिकम पाया जाता है। तो सिकम जो है यह उसमें क्या होता है, सेलुलोज का पाचन होता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य के पूर्वज भी शाकाहारी थे, और उनमें भी क्या पाया जाता था, सिकम पाया जाता था, ठीक है, क्या पाया जाता था, सिकम पाया जाता था। लेकिन क्या हुआ, वर्तमान में मनुष्य सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, सेलुलोज इतना नहीं खाता, केवल शाकाहारी नहीं है अपन ये कह सकते हैं। इसलिए ये सिकम जो है वहां पर एक अवशेषी अंग के रूप में रह गया है, जिसको क्या कहते हैं, कर्मी रूप परिशेषिका कहते हैं। इनमें से सिकम क्या कहलाएगा, कर्मी रूप परिशेषिका के रूप में अब यह मनुष्य में पाया जाता है, अपेंडिक्स के रूप में यह पाया जाता है। जनरली क्या काम क्या करता था, पहले जब क्रियाशीलता था तब यह सेलुलोज का पाचन करता था, लेकिन वर्तमान में यह क्रियाशील नहीं है, इसलिए एक आहार नाल में एक पतले कर्मी के समान, एक बंद नली के समान यह पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, आहार नाल का यह भाग है। दूसरा देखिए पूंछ कशेरुक, पूंछ कशेरुक जो है मनुष्य में, पूंछ तो अब नहीं पाया जाती है ना, ठीक है, रमहरा चांद पोल हनुमान भगता को राख जे ध्यान, ठीक है, तो हनुमान जी की पूंछ पाई जाती थी, ठीक है। पहले के मनुष्य जो थे ना, उनके क्या पाई जाती थी, पूंछ भी पाई जाती थी। अपन बंदर वगैरह जो है, अपने पूर्वज जो हैं, उनमें क्या है, पूंछ थी, है ना। एक गाना भी चलता था पहले कि कहते थे उस्ताद हमारे, नाम था जिनका मुचंदर, इंसान था पहले बंदर, इंसान था पहले बंदर। तो बंदर के समान मनुष्य में पहले पूंछ पाई जाती थी। तो पूंछ अब मनुष्य जो है उसमें क्या है भैया, एब्सेंट है। लेकिन भ्रूणीय अवस्था, जब मनुष्य के भ्रूण की आप स्टडी करते हैं ना, तो उसमें छोटी सी पूंछ आपको दिखाई देती है, जो जैसे जैसे भ्रूण ग्रोथ करता है वह पूंछ क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसके स्थान पर वर्तमान में कुछ कशेरुक जो है उसमें कशेरुकदंड के अंतिम चार कशेरुक जो है वो मिलकर के कोक्सिक्स नामक संरचना के रूप में कौन सी संरचना निर्माण करते हैं, कोक्सिक्स नामक संरचना का निर्माण करते हैं। कितने कशेरुक पाए जाते हैं, अंतिम चार, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंतिम चार कशेरुक जो होते हैं वो मिलकर के कोक्सिक्स नामक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, टेल वर्टिब्री कहते हैं। तो कितने कशेरुक हैं टेल वर्टिब्री में, चार कशेरुक हैं, ठीक है। भ्रूणीय अवस्था में तो ये पूंछ के समान दिखाई देते हैं, पूंछीय कशेरुक पाए जाते हैं, लेकिन व्यस्क अवस्था में ये सिर्फ कोक्सिक्स के रूप में अपने शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। भ्रूणीय अवस्था में तो कुछ के रूप, पूंछ के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में कोक्सिक्स के रूप में पाए जाते हैं, टेल वर्टिब्री के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार कुछ कशेरुक जो है वो एक अवशेषी अंग है, ठीक है। और नंबर तीसरा देखिए आप, तीसरा जो है इसको, ये डायग्राम में थोड़ा सा अपन इसको उनको बाद में देखेंगे, और निमेशक पटल, निटिशिएटिंग मेम्ब्रेन देखते हैं अपन, है ना। पहले देखिए कौन सा, निमेशक पटल या निटिशिएटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक पटल या निटिशिएटिंग मेम्ब्रेन जो है,
अपनी जो आंख जो होती है ना, जिसे उनमें क्या है, ये कोई भी प्राणी जो होते हैं उनका उद्भव कहां से मानते हैं, जल से मानते हैं, ठीक है। तो जलीय प्राणी जो होते हैं उसमें ये निक्टिसिएटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है आंख के ऊपर, जिससे पानी अंदर प्रवेश नहीं करे, तो उसको क्या कहते हैं, निमेशक झिल्ली कहते हैं या निमेशक पटल कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में क्या है, पानी में तो रहता नहीं है, इसलिए इसकी अब ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए मनुष्य के नेत्र जो होते हैं ना, उसके भीतरी किनारे पर यहाँ पर एक अर्धचंद्राकार लाल संरचना दिखाई देती है, लाल रंग की अर्धचंद्राकार संरचना नेत्र में पाई जाती है। पहले तो ध्यान में रखेंगे, इसमें पाई जाती है, नेत्र में पाई जाती है। किस रंग की पाई जाती है, लाल रंग की पाई जाती है। किस आकार की पाई जाती है, अर्धचंद्राकार पाई जाती है, अर्धचंद्राकार संरचना के रूप में, अर्धचंद्राकार संरचना के रूप में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, निक्टिसिएटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक पटल या निमेशक झिल्ली, यह क्या है, अवशेषी अंग है। मनुष्य के नेत्र में लाल रंग की पाई जाती है, किनारे पर, इधर साइड में किनारे पर, ठीक है, अर्धचंद्राकार होती है। इसका नाम क्या है, इसको प्लीका सेमी लुनेरिस भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लीका सेमी लुनेरिस। तो ऑप्शन में अगर आपको दिखे क्या, प्लीका सेमी लुनेरिस, अगर आपको ये ऑप्शन में दिखाई दे प्लीका सेमी लुनेरिस, उसका मतलब क्या है, इस यह निमेशिक पटल का अवशेषी अंग है, ठीक है। यानी कि यह भी प्लीका सेमी लुनेरिस कहां पाई जाती है, नेत्र में किनारे की ओर, अर्धचंद्राकार लाल रंग की जो संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, प्लीका सेमी लुनेरिस कहते हैं। और यह निमेशिक झिल्ली जो है उसका अवशेष है, ठीक है, यानी कि मनुष्य का एक यह अवशेषी अंग है। बात समझ में आ गई, निक्टिशिएटिंग मेम्ब्रेन भी क्या है, एक अवशेषी अंग है। किस रूप में पाई जाती है, प्लीका, प्लीका है, प्लीका सेमी लुनेरिस, लूनर, सेमी लुनेरिस मतलब अर्धचंद्राकार, ठीक है, प्लीका सेमी लुनेरिस इसका नाम हमने दिया है, याद रखना। इसके अलावा बाह्य करण की जो पेशियां हैं, जिससे कान हिलता था, ठीक है, कान हिलता है ना, जैसे जंतुओं में तो हिलता है, जो पशु वगैरह है उनमें तो वो कानों को भी हिला सकते हैं, बकरी हिला सकती है, खरगोश हिला सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं हिला सकता। क्यों, क्योंकि इनकी, इनको हिलाने वाली पेशियां तो पाई तो जाती हैं, लेकिन वो क्रियाशील नहीं है। इसलिए बाह्यकरण को हिलाने वाली जो पेशियां हैं जो कि क्रियाशील नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, अवशेषी अंग कहते हैं। एक और देखिए, अकल डाट क्या है, अकल डाढ़ जो है वह भी, अकल डाढ़, अकल आई को नहीं भाई, अकल डाढ़ है, अकल डाढ़, या इसको इंग्लिश में कहते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ कहते हैं, अकल डाढ़ या विजडम टीथ इसको कहेंगे, अकल डाढ़ को। अब प्रश्न कैसे पूछेंगे, पहली बात तो आप ध्यान में रखेंगे ये वेस्टिजियल ऑर्गेन्स है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गेन्स है और प्राइमेट में ज्यादा क्रियाशील है। इसमें अपने जो पूर्वज हैं, कौन से पूर्वज, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स अपने आदिम पूर्वज, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में यह क्रियाशील होता है। और अकलदार किसमें क्रियाशील होता है, प्राइमेट्स में क्रियाशील होता है, लेकिन मनुष्य में क्या है, मनुष्य में यह अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। इस रूप में मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। कौन सा जो डाढ़, डाढ़ का मतलब दांत, टीथ है ना, दांत, जिसको अपन कहेंगे जाड़, ठीक है, देसी भाषा में जाड़ कहेंगे। कौन सा दांत जो है वह अकल डाढ़ कहलाता है, तो इसको अपन कहेंगे थर्ड, तीसरा मोलर टीथ, थर्ड मोलर टीथ जो है इसको हम क्या कहते हैं, अकल डाढ़ कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। तीसरा मोलर दांत जो है वह क्या कहलाता है, अकल डाढ़ कहलाता है। बात समझ में आ गई, अकल डाढ़ कहलाता है। इसके अलावा यह दांत जनरली क्या है, 17 वर्ष की आयु में उगता है। कितनी वर्ष की आयु में निकलता है, 17 वर्ष की आयु में निकलता है, अकल डाढ़ कहलाता है। और देखिए, मनुष्य की त्वचा के बाल जो है ना, वो भी क्या है, अकल डाढ़ है। काम नहीं है, पहले ताप नियमन का कार्य करते थे, लेकिन मनुष्य अब तो नंगा तो रहता नहीं है, अनंगा पुंगा घूमता तो है नहीं, ठीक है, अब क्या है, कपड़े उपड़े पहन करके घूमता है, इसलिए बालों की जरूरत नहीं है, इसलिए बालों की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसकी जरूरत है, कपड़े पहन रखे हैं, बालों की जरूरत नहीं है, इसलिए बाल क्या हो गए,
अवशेषी अंग हो गए। पहले काम क्या करते थे, ताप नियमन का काम करते थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको देखेंगे चित्र के माध्यम से। ये जो स्ट्रक्चर है ना, पहला हम वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा था भाई, मैंने कहा था कि भाई जो आंत्र जो है उसमें ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ये कौन सा है, वर्मीफॉर्म। वर्मीफॉर्म क्यों कहते हैं, एक कीड़े के समान दिख रहा है ना, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसके अलावा बाह्यकरण की जो पेशियां हैं, ये करण जो है इसको हिलाने वाली, देखो ये ठीक है, ये पेशियां जो है इससे क्या है, कान बाह्यकरण जो है वो हिलता था, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ओरिकुलर मसल्स। ठीक है, ये क्या है, अवशेषी अंग है। इसके अलावा एक्सेस हेयरनेस, देखो शरीर पर बाल जो है ना, ये बाल, ये सब क्या है, ये अवशेषी अंग है। क्यों है भाई, ये शरीर पर बाल पहले काम क्या करते थे, ताप नियमन का कार्य करते थे, तो ये भी क्या है, अवशेषी अंग है। ये जो मैंने कहा था कि भाई सेमी लूनर फोल्ड इसको प्लीका सेमी लूनेरिस कहते हैं। ये आंख में देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आंख का ये जो स्ट्रक्चर है, ये है क्या है बच्चा, आंख का ये स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है ना आंख में, इसको अपन क्या कहते हैं भाई, प्लीका सेमी लूनेरिस कहते हैं, और ये भी क्या है, अवशेषी अंग है। इसके अलावा जो मेल जो है उसमें ये टीट्स जो होते हैं ना, निपल्स जो है, ये क्या है, अवशेषी अंग है, क्योंकि ये नर जो है उनके कोई काम के नहीं है, महिला में ये स्तनपान कराने के काम आते हैं, लेकिन पुरुषों में ये क्या है, अवशेषी अंग है। फिर ये पुच्छ कशेरुक कोक्सिक्स कहते हैं ना, ठीक है, टेल बोन, ये भी क्या है, अवशेषी अंग है। पूंछ जो है छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन क्या है, ये अवशेषी अंग है। इसी प्रकार ये देखो थर्ड मोलर टीथ जो है ये भी क्या है बच्चा, अवशेषी अंग है। प्राइमेट्स में ये क्रियाशील है, लेकिन मनुष्य में क्या है, अभी वर्तमान में ये अवशेषी अंग है। तो ये थी अपने बॉडी के कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, आपको समझ में आए होंगे। क्लास अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।